हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन है कि काउंसलिंग का क्या है, प्रोसेस है, काउंसलिंग के बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है जा रहा है कि नहीं, या हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं, या गेस्ट हाउस मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, सिंपल है। आप जैसे जैसे आते हो कॉलेज, जैसे आप यूनिवर्सिटी इन करोगे, उस दिन आपको काउंसलिंग करानी है। तो काउंसलिंग का बहुत ईजी प्रोसेस है। तो उसका इजी प्रोसेस ये है ना, जैसे आप आओगे तो आपको न्यू एकेडमिक बिल्डिंग जाना होगा। वो जस्ट जैसे आप इन करोगे आपको दिख जाएगा, शो कर जाएगा एनएवी। और आप काउंसलिंग कराना है, जैसे कि आपकी एंट्री इंटर होगी, वहाँ पे अटेंडेंस वाले अटेंडेंस होंगे, उनके बाद वेटिंग हॉल में आपको वेट करना है। उनके बाद फोर्थ फ्लोर पे इसका प्रोसेस चल रहा है, जो भी है। तो देन जैसे आप कराओगे, और काफ़ी बच्चे ऐसे कि मतलब उनके मतलब तुरंत ही उन्हें रूम मिल जा रहा है, हॉस्टल मिल जा रहा है। रीज़न है क्या है ना, रीज़न ये है उनके वो जो कैटेगरी वाइज जो सीट है, जैसे कि जनरल में 8 सीटें हैं और ओबीसी में 5 सीट है, एंड एससी एसटी में 3-2 सीट है। तो वो बच्चे जो हैं लाइक जैसे कि 3 तक, जैसे एससी के बच्चे हैं जो हैं स्टूडेंट हैं, और 3 जैसे कि 1, 2, 3 सीट्स हैं, और 3 सीट्स तक जिसका नाम आया उनको तो तुरंत ही मिल जाता है, ठीक है, उन्हें तुरंत मिल जाएगा हॉस्टल, क्योंकि कंफर्मेशन लेटर उसे तुरंत मिल जाएगा, बिकॉज वो एलिजिबल हैं, यानी कि आगे भी अभी भी अगर वो काउंसलिंग कराते हैं और देन उनके बाद उनके नाम आएंगे, क्योंकि वो काउंसलिंग करा चुके हैं और उनके सीट पर कोई मतलब ऐसा आएगा नहीं। अगर वो छोड़ते हैं तब नीचे वाले को लिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ये बात। और ऐसा नहीं करना है कि आप वेट करें कि हाँ कौन छोड़ेगा तब मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं करना। काउंसलिंग तो सब करानी होगी, काउंसलिंग मैंडेटरी है। आप सब एलिजिबल, जिसके भी नाम आ रहे हैं शॉर्ट लिस्टेड में हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना वो एलिजिबल हैं फॉर काउंसलिंग। तो जिसका नहीं हो पाता है और आपको यानी कि 4 या 5 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे है, आपको हॉस्टल दिया जाएगा, यानी कि जो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस नहीं जिसमें कि लाइक इसका चार्ज 500 है, वो नहीं, बसीर हॉस्टल के अंदर ही एक है गेस्ट हाउस है, उसमें यानी 75 रुपीज़ मिलेगा आपको, वो पे करना होगा और उनके बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा वो रहने के लिए। आप नहीं वेट कर रहे हो ना आप 28 तक, तो आप जब तक लिस्ट नहीं निकलता तब तक आप वेट कर सकते हो। आप अगर आपको है कि आप बहुत दूर से हैं, आपको नहीं जाना है, वेट करके जाना है, तो फिर आप वेट करना होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत इसी बात को लेकर परेशान हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके घर से अगर कॉलेज 200-300 किलोमीटर दूर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बिहार और यूपी से बच्चे जो आ रहे होंगे, बहुत लाइक लंबा रास्ता होता है, 1.5 डेज का जो होता है वो ट्रेवल जर्नी होता है, उनके बाद यहाँ आते हैं बच्चे और यहाँ पे वो काउंसलिंग कराने आ रहे हैं, सिर्फ वो काउंसलिंग कराने के लिए आए हैं। और अगर उसे कन्फर्मेशन लेटर मिल जाए तो ठीक है। तो मैं बता दूँ, आज जो है, आज 2 कोर्स का है एमएमए, और मात 7 बच्चे आए हैं काउंसलिंग के लिए, दोनों मिला के, ये नहीं बोल रहा एक किसी एक का। तो आप लोग घबराए नहीं कि हाँ लिस्ट में नाम है कि नहीं होगा मेरा काउंसलिंग, नाम नहीं आएगा। तो बच्चे ये ना ये गलत कर रहे हैं। एक फर्स्ट बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे एक बात से नहीं आ रहे डर से, कि इतना लंबा दूर है, इतना बहुत दूर है और मैं जाऊँगा, काउंसलिंग होगा तो एडमिशन नहीं कंफर्म होगा, तो फिर मैं इतना दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, फर्स्ट थिंग ये है। और दूसरी बात ये है कि कई बच्चों का जेएनयू में हो चुका है तो वो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं समझाने की हमेशा कोशिश करूँगा कि मतलब आप लोग को डरना नहीं है कि हाँ सीट खाली नहीं रहेगा, या सीट खाली भर जाएगा तो मेरा क्या होगा। कम से कम आप पहले काउंसलिंग तो कराओ, काउंसलिंग करा। अब एक चीज़ बताओ, अभी काउंसलिंग हो रही है तब आपको इतनी दिक्कत हो रही है, पहले तो एडमिशन मतलब वो लिस्टेड जो कैंडिडेट होते थे उसके मतलब कंफर्म था कि वो उसके ही एडमिशन होंगे, फिर भी वो बच्चे छोड़ दे रहे थे। तो इसी चीज़ को लेके परेशान होकर यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया कि एक ही बार में जो बच्चे हैं सब पर नाम कर दिया, कि काउंसलिंग सबको करानी होगी, जो अगर एलिजिबल होते हैं उनके नाम आएंगे, अगर उसमें से अगर नहीं कोई एडमिशन लिया तो उनके नीचे वाले को लेंगे, फिर उस अगर वो नहीं लेते तो उनके नीचे वाले को लेंगे। ये प्रोसेस रहने वाला है, और हमेशा बार बार एक लिस्ट मतलब निकालना, ये मतलब संभव नहीं है, पॉसिबल है बट कॉलेज को भी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब हर एक डिपार्टमेंट में
हर एक बार हर एक जगह से स्टूडेंट को देखना वगैरह। तो फर्स्ट बात आपको समझ में आना चाहिए कि काउंसलिंग कराना ही है आपको। अभी भी अगर जिसने मन में बनाया कि नहीं मुझे नहीं कराना है काउंसलिंग, तो प्लीज़ आप करा लो, बेनिफिट ही है काउंसलिंग का। अगर नहीं हुआ तो आपको ये नहीं मानना है कि नहीं होगा, तो आप आओगे तो कुछ चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और अभी अगर आप प्रोसेस जान जाओगे तो फिर नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट थिंग ये है। और कहीं कुछ नया करने से कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो आप आओ, काउंसलिंग कराओ, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था जो भी है बस्ती काउंसलिंग मिल जाएगा। और आपकी सपोर्टिव हैं जो भी हैं स्टाफ हैं जो कर रहे हैं काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अपनी हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनके लिए भी एक है, मतलब आपको अंडरटेकिंग वाला जो है वो डालना है। और कभी बच्चे हैं ऐसे कि एनएक्सएफ को लेकर कभी परेशान है, तो एनएक्सएफ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपको मतलब नोटराइज कराना है। एनएक्सएफ फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट का है, एंड सेकंड जो है वो पेरेंट्स का है, ठीक है। एंड पेरेंट्स नहीं मतलब गार्जियन का कोई चलेगा, फादर हाँ लिख चले आप। और एनेक्सर थर्ड को छोड़ देना है, बिकॉज वो उसके लिए जो पर्सन अभी कोर्स कर ही रहा है ट्वेल्थ कर नहीं रहा है, उनके वजह से रिजल्ट नहीं आया तक, तो उसके लिए है। और एनेक्सर फोर्थ जो है वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, 1.5 मंथ दिया जाएगा। एंड एनेक्सर फिफ्थ जो है वो है आपके एड्रेस के लिए, लाइक आप कहाँ से हो कैसे हो, तो ये चीज़ के लिए है। तो सिंपल है। और अभी का माहौल मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और यही बात कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया ठंड के कपड़े लाने हैं कि नहीं लाने हैं, तो ये देखो ठंड का कपड़ा है ना आप ला सकते हो, एक दो ला सकते हो, क्योंकि मतलब यहाँ पे ठंड में तो ठंड लगती नहीं है, जब बरसा होता है तो बारिश के मौसम में ही थोड़ा ठंड लगता है। और काफ़ी अच्छा कैंपस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और यहाँ रैगिंग तो होती नहीं है, मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हमेशा कि रैगिंग नहीं होती है, तो मतलब सही बोल रहा है, यहाँ पर रैगिंग की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आपको आपके साथ कोई रैगिंग करेगा। तो यहाँ पे जूनियर भी है ना, वो सीनियर को मतलब एक लाइक सीनियर जूनियर के साथ ऐसा होता है कि वो लगता है कि मतलब लगता ही नहीं है कि वो सीनियर जूनियर है, उसके बीच में कुछ ऐसा कि हाँ कोई सीमा है कि हाँ ऐसे ही करेगा वैसे करेगा, नहीं। आप चाहो तो साथ में रह सकते हो, खा सकते हो, घूम सकते हो, ऐसा कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है कि हाँ आपको नहीं सीनियर के साथ अच्छा बिहेव करना है या गंदा बिहेव करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर कम्युनिटी है तो आप यहाँ रह सकते हो, सिंपल है। यहाँ बहुत ऐसे जो जिनका बैकग्राउंड रहा है अच्छे से, मतलब जैसे कॉलेज में जहाँ पे रैगिंग होता है, यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि नहीं ये बेस्ट है, यहाँ पे रैगिंग नहीं होती। तो मैं मेरा पर्पस यही था कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एमए वालों की, तो कल हुआ था और आज है, एंड देन 22nd को है, 22 एंड 23 25th तक एमए वालों तक का है, इसी बीच में आप लोग का भी 21st से स्टार्ट होगा काउंसलिंग। तो आप लोग घबराना नहीं, काउंसलिंग के लिए जितने भी लिस्ट में नाम है, जितने स्टूडेंट का नाम है शॉर्ट लिस्टेड में, तो आप सभी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। बट कंफर्मेशन अभी उसी का मिल पाएगा जो कैटेगरी वाइज जैसे सीट है ना, वो 8 सीट 8 सीट 5 सीट 3 सीट 2 सीट, तो उनको अभी कन्फर्मेशन मिल जाएगा उनके अंदर जिसके भी नाम है। एंड अगर वो नहीं लेते हैं तो वो 28th के बाद उनका जो है ना काउंसलिंग उनका नाम आएगा, और शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जैसे कि देखिए बताता हूँ लिस्ट क्या है ना, अभी काउंसलिंग कराएंगे, अब बताइए जनरल, जैसे जनरल में 8 सीटें हैं, 8 सीट में अगर 4 ही कड़ा है, एंड देन ओबीसी में 2 ही कड़ा है, एंड ये सीट की बात कर रहा हूँ, मैं सीट की बात कर रहा हूँ, उनके बाद जो 8वें नंबर के बाद जो आते हैं 9 नंबर 10 नंबर पे जो है जिसका नाम है वो भी करा लिए हैं, और जो काउंसलिंग नहीं कराए तो उसको पुशअप करके आगे करके वो मैनेज कर लेगा। तो देखिए जो यानी अंदर कैटेगरी तो उसको अभी तुरंत मिल जाएगा कन्फर्मेशन कि हाँ आपको मिल गया, आप जाओ पेमेंट करो और देन आपको मिल जाएगा हॉस्टल पेमेंट का। देखिए पेमेंट मतलब हमारे टाइम में ऐसा था कि मतलब 5200 ऐसा हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी मनी, और 2000 कुछ ऐसा और कुछ, ये मतलब यानी क्या मनी का अंडर 8000 में आपका जो है ना हॉस्टल का जो है कुछ क्लियर हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। वो आपको तब रिफंड, वो रिफंडेबल होता है जब आप कॉलेज छोड़ोगे ना, कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उसमें बहुत सारे फी वगैरह हैं। तो एंड रही बात कोर्स की तो देखिए कोर्स ही आपको वो अलग है, वो जो है 3000 समथिंग है 4000 समथिंग है,
वो कोर्स की अलग है, वो अलग चीज़ है, वो आपको सेमेस्टर फी वगैरह हो गया, यानी सेमेस्टर फी विथ एडमिशन फी वगैरह सब साथ में, एंड हॉस्टल फी अलग चीज़ है, हॉस्टल आपको, और बहुत बच्चे ऐसे परेशान हैं कि हॉस्टल को लेके, हॉस्टल फी लेके और मैथ्स को लेके। देखिए मैथ्स का ऐसा सीन है ना कि मैथ्स अंडर बोल सकते हैं, हाँ 3,500 के समथिंग है आपको फी देना पड़ेगा, मतलब लग जाता है इतना, यानी कभी कभी 3K to 3.5K तक के अंदर ही रहता है बिल जो भी होता है। एंड हॉस्टल का जो है SC ST के लिए 75 rupees है, एंड ओबीसी और जनरल के लिए इनके लिए 250 है, ठीक है, और थोड़ा महंगा है जेनी से, बट आप यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अगर महंगा है थोड़ा बहुत हॉस्टल तो फैसिलिटीज़ भी अच्छी है यहाँ की, आपको यहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा है, और जब किसी अदर यूनिवर्सिटी से कंपेरिजन करें तो यहाँ का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है और कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप आओगे तो पता पता चल जाएगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक वगैरह आपको वीडियो चाहिए, कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं मेरा इंस्टा आईडी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो मुझे। और देखिए आपको, हाँ कि आप क्या क्या मिलेगा हॉस्टल में, क्या क्या मिलेगा बता देता हूँ। देखिए आपको यानी चेयर, टेबल, फैन, बल्ब सब देता है, कर्टन वगैरह सब ये यूनिवर्सिटी में देता है, ठीक है, बस आपको जो है ना बेड शीट लाना है, ठीक है, पिल्लो लाना है, मैट्रेस लाना है, ये अपनी चीज़ें ये आपको लाना पड़ेगा, और ये लाने की कहीं ज़रूरत नहीं है ऐसे वहाँ से उठा के लाना है, ऐसा नहीं करना है, सागर स्टोर है सब अवेलेबल है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, बगल नहीं है मतलब कैंपस के अंदर ही, आपको पता होगा सागर स्टोर के बारे में, हाँ जगह मतलब उनका जो शॉप है वो थोड़ा चेंज हो गया था, पहले जहाँ था वो लिविंग रूम के पास था, अभी उनका है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं, काफ़ी दूर नहीं है, अंदर ही है, और आप लोग आओ, मैं भी वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोल सकता लेकिन आई थिंक बोलना चाहिए मुझे, हाँ मिलते हैं जल्द आप लोगों से, जो भी है अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं कोई भी टॉपिक भी बताऊंगा क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, बहुत इजी है, अगर मैं बता दिया कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं अभी अभी आपके पास तो कोई बात नहीं, आप काउंसलिंग कराओ, देन आपके पास जो है वो प्रोविजनल लिस्ट जो जिस नाम आएंगे उनके बाद आपको कन्फर्मेशन लेटर चाहिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर देने से पहले आप देने जो टाइम आप वहाँ पर शो कर रहे हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है आप कब तक जमा करोगे, तो आपको वहाँ पे जैसे कि ना वो 1.5 month का टाइम देगा आपको कि आप इतने दिन में वो करो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हाँ कहीं अदर जगह वो कोर्स कोर्स कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं और अभी अप्लाई कर दिए इधर काउंसलिंग के लिए, वो आएंगे कि नहीं, हाँ आपको आना है अगर आप चाह रहे हो कि एडमिशन ले, अब तब तक वहाँ जैसे कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कैंसलिंग वहाँ नहीं कराना चाहते हैं, यहाँ पे पहले एडमिशन लेना चाहते हैं देन उनके बाद वहाँ कैंसिल कराएंगे, तो ये भी सही है, ये रिस्क है, रिस्क अभी नहीं लेना आपको, तो आपका क्या करना अगर लिस्ट में जैसे यहाँ पर एडमिशन होगा आप कहाँ से ले सकते हो सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ जिनका कि नहीं काउंसलिंग लिस्ट में सिर्फ नाम है, वो अंडर वो कैटेगरी में नहीं सिर्फ नाम, ठीक है, ऐसे आपके लिए वो एक होता है ना कि रिस्क लेना होता है, लेकिन आप ऐसा मत करो, जितना पहले आप काउंसलिंग कराओ, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद जो भी सर्टिफिकेट आप उसे दो, सिंपल है और कुछ नहीं, बस इतना ही है। और नोटराइज कहाँ कराना है ये भी बहुत बहुत बच्चों का जो है ना माइंड में चल रहा है कि कहाँ करना है, अरे लॉयर है, एडवोकेट है, जाकर उनसे मिलो, बहुत ईजी प्रोसेस है, उसे बोलना कि कॉलेज के लिए मुझे ना एफिडेविट बनाना है, वो अक्सर नहीं समझेंगे, तो अगर होता है ना कि हाँ नया नया वर्ड है तो उसे बताना है कि हाँ मुझे एफिडेविट बनाना है, तो खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्जियन के लिए, तो बना देंगे वो, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताना, मैं चाहूँगा कि हाँ जल्द आप लोगों के सामने कोई नया टॉपिक का वीडियो लाऊँ, क्योंकि मैं भी क्या ही बनाऊँ, मैं हॉस्टल बना ही दिया हूँ, कैंपस बना ही दिया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी बना ही दिया हूँ, डॉक्यूमेंट्स बना ही दिया हूँ, मुझे टॉप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा टॉपिक बनाऊँ आप लोगों के लिए वीडियो, बट हाँ चाहूँगा कि आप लोगों से जल्द मिलूँ मैं भी, तो आप लोग घबराएं नहीं, यहाँ को बहुत बहुत लाइक सब जो भी हैं स्टाफ है बहुत फ्रेंडली टाइप से हैं, आपसे करवाएंगे जो कोई काम है, ऐसा नहीं है कोई कहाँ आपको डरना है, कोई आप बड़े इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, और ईजी प्रोसेस है, बहुत धीमी धीमी मतलब सब कुछ कराएगा, अगर कहीं नहीं वहाँ पर दिया है ना वो 2 घंटे वाली चीज़ कि हाँ 10 से 12 ही टाइम है, वो ऐसा चीज़ है अटेंडेंस का, ठीक है, आपको इतने मतलब आना है उससे 1-2 घंटे आगे पीछे, अगर तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप
मतलब आपको 10 बजे तक में आ जाना है। आप उन उन चीज़ों को मत में कि हाँ हम जो बोल रहे हैं कि आगे पीछे, ठीक है, ये तो यानी कि 3 बजे बज गए, कल कल 2 बजे तक चले थे, आज भी थोड़ा टाइम लग गया, अभी ख़त्म हुआ है। और आप आओगे, मुझे लगता है दिवाली जब बच्चे आएंगे तो काफ़ी भीड़ होंगी, तो वहाँ टाइम लगेगा, तो आप लोग आएँ। मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको कि जिन्होंने माना है कि मुझे काउंसलिंग नहीं कराना है तो काउंसलिंग करा लो भाई, अरे कम से कम करा लो, सही रहेगा। और आप जब कराओगे तो आपके पास एक होता है कि चांसेस रहेंगे आप करवा सकते हो, बाद में ऐसा मत लाइक माइंड में नहीं आया कि हमने काउंसलिंग नहीं कराया तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, ये माइंड में आएगा आपका, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको करा लेना है, चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।